ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय शिव शंभु। हार्दिक स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार हमारे चैनल सनातन धर्म का संसार पर। दोस्तों, यह सारे उपाय पंडित प्रदीप मिश्रा जी की कथा से सुनकर सूचित किए जा रहे हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें और ध्यान से सुने। दोस्तों, कल सोमवार के दिन पड़ रही है इस सावन और अधिक मास के मिलन वाली पूर्णिमा की तिथि। पूज्य गुरु जी ने कहा कि पूर्णिमा की तिथि हो या अमावस्या की तिथि हो या फिर एकादशी की तिथि हो, हमें एक चावल के दाने से एक ऐसा विशेष उपाय करना है जो हमारे जीवन में चल रही कई समस्याओं का अंत कर देगा। अगर हमें अपने जीवन में धन धान्य की प्राप्ति करनी है, लक्ष्मी की वृद्धि करनी है, माता लक्ष्मी को प्रसन्न करना, अपने जीवन से दुखों का अंत करना है, लड़ाई झगड़ों को समाप्त करना है, व्यापार में वृद्धि करनी है तथा नौकरी में उन्नति प्राप्त करनी है या फिर अपने शरीर को बीमारियों से मुक्त करना है, तो पूज्य गुरु जी ने कहा कि इस सोमवारी पूर्णिमा के दिन आपको एक चावल के दाने वाला ये विशेष उपाय जरूर करना चाहिए। तो चलिए जानते हैं क्या है वो उपाय। लेकिन उससे पहले एक प्रार्थना, अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। देखिए, सबसे पहले तो आप लोग ये जान, पूज्य गुरुजी ने अपना जो पांच दीपक वाला एक उपाय बताया है, अगर आपने अभी तक वो उपाय नहीं किया है तो उस उपाय को भी इस तिथि में कर सकते हैं। सामने स्क्रीन पर आपको सातों तिथियां दिखाई जा रही हैं। इनमें से आपको किसी भी एक तिथि में वो पांच दीपक वाला उपाय कर लेना है। इस चैनल पर पहले से उस उपाय को डाल दिया गया है, अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो उस वीडियो को देखकर उस उपाय को कर सकते हैं। इस वीडियो में हम लोग पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए दो विशेष उपायों के बारे में बात करेंगे। पहला उपाय उन लोगों के लिए होगा जिन्हें अपने जीवन में धन धान्य की प्राप्ति करनी है, माता लक्ष्मी की प्राप्ति करनी है, और दूसरा उपाय उन लोगों के लिए होगा जो अपने जीवन के तमाम संकटों को, तमाम समस्याओं को, अपने घर में हो रहे लड़ाई झगड़ों को हमेशा के लिए समाप्त करना चाहते हैं। चलिए बात करते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए पहले उपाय के बारे में। लेकिन उससे पहले सामने स्क्रीन पर आपको एक प्रश्न दिखाया जा रहा है। इसमें आपको बताना है कि समुद्र मंथन से निकले हुए विष को किसने ग्रहण किया था, महादेव ने या भगवान विष्णु ने। जो भी सही उत्तर है उसको आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब इसके बाद बात करते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए पहले खास उपाय के बारे में। देखिए, इस उपाय के लिए आपको सिर्फ एक बेलपत्र ले लेनी है। अगर आपके पास बेलपत्र है तो ले लीजिए, और नहीं है तो शिवालय जाकर शिवलिंग के ऊपर चढ़ी हुई बेलपत्र को उठाकर जल से शुद्ध करके फिर आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बस बेलपत्र लेते समय आप एक बात का ध्यान रखिएगा कि ये कहीं से भी कटी हुई नहीं होनी चाहिए, और पत्र की डंडी के आखिर में जो होती है, जो डंठल होता है, डंडी के आखिर में गांठ होती है, उसको तोड़कर आप अलग कर लेंगे। फिर इसी के साथ आपको एक कमल गट्टा ले लेना है। अगर आपके पास कमल गट्टा नहीं है तो फिर आप एक चावल के दाने का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कमल गट्टा है तो एक कमल गट्टा ले लीजिए, नहीं तो फिर एक चावल का दाना ले लीजिए। फिर सबसे आखिर में आपको लेना है एक लोटा जल। लोटा आप तांबे के पात्र में ले लीजिए, और इसमें जल आप अपने किचन से ले लीजिए। आपके में जो भी जल रखा हुआ है वहीं से आपको ये एक लोटा जल भर लेना है। अब ये तीनों सामग्री लेकर आपको पहुंच जाना है शिवालय। देखिए, पूज्य गुरुजी ने कहा कि ये उपाय आप चाहे तो प्रदोष काल के समय कर ले, या फिर सुबह से लेकर रात तक किसी भी समय इस उपाय को कर सकते हैं। देखिए, शाम को जब सूर्यास्त हो जाए तो उसके बाद आप रात्रि में किसी भी समय इस उपाय को कर सकते हैं, क्योंकि पूर्णिमा की तिथि में रात का बहुत ही ज्यादा विशेष महत्व होता है, इसलिए आप लोग रात में भी ये उपाय कर सकते, नहीं तो फिर पूरे दिन में किसी भी समय इस उपाय को कर सकते हैं। देखिए, अब शिवालय पहुंचकर सबसे पहले आप जो एक कमल गट्टा लेकर आए हैं या फिर एक चावल का दाना लेकर आए हैं, आप जो भी लेकर आए हैं उसको अपने हाथ में रखिए, और भोलेनाथ के चंद्रमौली महादेव के नाम का स्मरण करते हुए ये एक चावल का दाना या एक कमल गट्ठा शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दीजिए। फिर इसके बाद आप जो एक बेलपत्र लेकर आए हैं, उस बेलपत्र को आप अपने दाहिने हाथ यानी राइट हैंड में रखिए, और चंद्रमा से अपने जीवन में चल रही धन की समस्या को दूर करने के लिए, आपके जीवन में जो आर्थिक समस्या है, आपके जीवन में धन की वजह से जो कार्य रुक रहे हैं,
उन सारी समस्याओं को दूर करने के लिए आपसे प्रार्थना कर लीजिए और ये एक बेलपत्र आप शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दीजिए। बेलपत्र की डंडी का हिस्सा आपको अपनी तरफ रखना है और बेलपत्र की चिकनी साइड का हिस्सा शिवलिंग में टच करेगा। फिर इसके बाद आप जो एक लोटा जल लेकर गए हैं, उस जल को धीरे इस बेलपत्र के ऊपर समर्पित करते जाइएगा और लगातार शिव महापुराण के मूल मंत्र श्री शिवाय का स्मरण करते जाइएगा, या फिर आप ओम नमः शिवाय मंत्र का भी स्मरण कर सकते हैं। इसके बाद जलाधारी से जो जल नीचे गिर रहा है, उस जल को आप अपने दाहिने हाथ यानी राइट हैंड में थोड़ा सा लगा लीजिए और वही जल आप अपनी दोनों आँखों के ऊपर थोड़ा सा लगाकर फिर से अपनी वही मनोकामना चंद्रमौली महादेव से बोल दीजिए। देखिए, ये उपाय कर उन लोगों को करना है जिनके जीवन में धन से संबंधित दिक्कत चल रही है। जल समर्पित करते समय भी आप चंद्रमौली महादेव के नाम का स्मरण जरूर कर लेंगे। पूज्य गुरुजी कहते हैं कि पूर्णिमा चाहे सोमवार की हो या शनिवार की हो या मंगल की हो या फिर हफ्ते में किसी भी दिन की पूर्णिमा हो, अगर हम इस विशेष उपाय को करते हैं तो यकीन मानिए आपके जीवन से धन धान्य की समस्या सदैव के लिए समाप्त हो जाएगी। अब इसके बाद बात करते हैं पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए दूसरे खास उपाय बारे में। देखिए, दूसरा उपाय उन लोगों को करना है जिनके जीवन में कष्ट बहुत ज्यादा है, समस्याएं बहुत ज्यादा है, जिनके जीवन में लड़ाई झगड़े बहुत ज्यादा होते हैं, जिन्हें अपने शरीर में आए दिन कोई ना कोई कष्ट बना रहता है, कोई ना कोई रोग घेर लेता है, तो उन लोगों को ये दूसरा उपाय कर लेना है। देखिए, इस उपाय के लिए आप एक स्टील का पात्र ले लीजिएगा। इस स्टील का आप लोटा ले लीजिएगा। इस लोटे को आप पूरा जल से भर लीजिएगा और इसमें आप 2 चम्मच या 1 चम्मच या आधा चम्मच, जितना भी आप पास कच्चा दूध हो उतना कच्चा दूध आप इस एक लोटे जल में डाल लीजिएगा। आप ध्यान रखिएगा कि दूध कच्चा ही होना चाहिए। फिर इसी के साथ आपको इस एक लोटे जल में चावल के 7 दाने डाल लेने हैं। कितने दाने आप डालेंगी? 7, 7 यानी 7 दाने चावल के इसी एक लोटे जल में डाल देंगे और ये एक लोटा जल लेकर आपको पहुंच जाना है किसी भी पीपल के वृक्ष के नीचे। देखिए, पूर्णिमा की तिथि भगवान लक्ष्मी नारायण को समर्पित होती है और पीपल वृक्ष में साक्षात लक्ष्मी नारायण का निवास बताया जाता है, इसलिए ये एक लोटा जल लेकर हम लोग पहुंच जाएंगे पीपल के वृक्ष के नीचे। ये उपाय आपको शाम को सूर्यास्त के पहले कर लेना है। सूर्यास्त के बाद आप इस उपाय को मत करिएगा, क्योंकि सूर्यास्त के बाद हम लोग वृक्ष में जल समर्पित नहीं करते हैं। देखिए, आप जो दूध और चावल मिला हुआ ये एक लोटा जल आप लेकर गए हैं, इस जल को आप पीपल के वृक्ष की जड़ में धीरे धीरे समर्पित करते जाएंगे और लगातार ओम भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का स्मरण करते जाएंगे। कौन से मंत्र का? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का स्मरण कर लीजिए और आपके जीवन में जो समस्याएं चल रही हैं, जो कष्ट चल रहे हैं, जो आपके जीवन में लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, कभी आपको अपने सर में दर्द होने लगता है, कभी कभी आपको बहुत ज्यादा टेंशन हो जाती है, कभी आपको अनिद्रा की शिकायत हो जाती है, रात में देर देर तक नींद नहीं आती है, तो पूज्य गुरुजी कहते हैं कि उन लोगों को ये उपाय करते समय अपनी भगवान लक्ष्मी नारायण से बोलते हुए ये एक लोटा जल पीपल के वृक्ष की जड़ में समर्पित कर देना है। उसके बाद समस्या बोलकर फिर वापस अपने घर आ जाना है। गुरुजी कहते हैं कि अगर पूर्णिमा की तिथि में हम इस प्रकार से एक लोटा जल पीपल के वृक्ष में समर्पित करते हैं तो हमारे जीवन में लड़ाई झगड़ों का अंत होता है। जो भी कष्ट, जो भी समस्याएं हमारे जीवन में चल रही है, उनकी समाप्ति होती है और हमें सुख समृद्धि तथा वैभव की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, थे पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए 2 बहुत ही खास उपाय जो आपको इस पूर्णिमा की तिथि में जरूर करना चाहिए। आपको अपने घर में धन धान्य की वृद्धि करने के लिए तथा अपने जीवन से समस्त संकटों को समाप्त करने के लिए ये दोनों उपाय जरूर करने चाहिए। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय शिव शंभू।